स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप लोग ठीक है जी? यस सर। तो पिछले क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था? ग्रामर। और ग्रामर में पार्ट्स ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर के कितने पार्ट होते हैं? पांच। पहला क्या है? ऑर्थोग्राफी। दूसरा? इमोलॉजी। तीसरा? सेंटेंस। चौथा? पंक्चुएशन। और पांचवा? ग्रोसरी। आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑर्थोग्राफी। वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका डेफिनेशन, परिभाषा की ऑर्थोग्राफी होता है क्या, उसके बाद फिर आपसे भी मैं जवाब लूंगा, आपसे भी पूछूंगा। तो देखिए, परिभाषा वर्ण विचार कहते हैं, जिसमें वर्णों के बारे में विचार करते हैं। तो इसका परिभाषा होता है कि इट इज पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर्स एंड यूजेज ऑफ लेटर्स। यह अंग्रेजी व्याकरण का अंग है जिसमें हम लोग वर्ण और वर्णों के प्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग भी इसको पढ़कर बताइए कि क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत आप लोग का अच्छा रिस्पांस रह रहा है। बहुत पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं, ग्रामर शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सिखलाता है, बिल्कुल आप लोग सीख रहे हैं। और देखिए, तो हमने बताया कि अंग्रेजी व्याकरण के क्या है? अंग। क्या है? जिसमें हम लोग वर्णों के बारे में और वर्णों के प्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम किसके बारे में जी? वर्ण के बारे में। हिंदी में तो आपने पढ़ा ही होगा, क्या पढ़ा जी? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडिया टुकड़ा। आज हम लोग उसी को इंग्लिश में हम डेफिनेशन जानेंगे और कितने प्रकार के लेटर होते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो परिभाषा होगा वर्ण का, ए पार्टिकुलर यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पीसेज और सेक्शन इज कॉल्ड ए लेटर। अंग्रेजी वर्णमाला की एक खास इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे? लेटर। क्या कहेंगे जी? लेटर। वर्ण कहेंगे। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल में जैसे दिया हूँ, ए, ये क्या है? लेटर है ना? यस सर। बी क्या है? लेटर। सी क्या है? लेटर। डी क्या है? लेटर। तो आप बताइएगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में जो अंग्रेजी इसको अल्फाबेट को क्या कहते हैं? वर्ण। तो अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर कितने होते हैं जी? 26। अब हिंदी में बताइएगा आप लोग कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? जो क्रम में होगा ना। तो अब जानेंगे हम लोग, अब बताइए कि लेटर ए है, बी है, सी है, डी है, इससे आप छोटा हो सकता है नहीं ना? ये सबसे छोटी इकाई है कि नहीं जी? इंग्लिश में लैंग्वेज जैसे हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी जो भाषा है उस अंग्रेजी भाषा में वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? लेटर। क्या होता है? ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से मतलब जेड तक आ जाएगा। कहाँ तक आएगा? आप देखिए अल्फाबेट। अब वर्णमाला के बारे में हम लोग जानेंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं इंग्लिश में परिभाषा। तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एबीसीडी टू जेड, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एबीसीडी टू जेड इज कॉल्ड अल्फाबेट, इज कॉल्ड अल्फाबेट। एक वर्णों का समूह जो एबीसीडी से जेड तक हो उसे क्या कहेंगे? अल्फाबेट। क्या कहेंगे? अब अल्फाबेट के लिए भी कंडीशन होता है ना जी? यस सर। अब कंडीशन क्या है उसका? शर्त। जैसे कैसे कहिएगा कि ये अल्फाबेट है तो उसका क्या होना चाहिए? शर्त होना चाहिए। तो शर्त है पहला कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ लेटर्स। और दूसरा, इट इज नेसेसरी टू बीन, और क्रम में भी होना चाहिए, क्रम में भी होना चाहिए ना। अब जैसे क्रम में होना चाहिए, अब देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर लिखते ए बी सी डी ई एफ से लेकर जेड तक, कितना तक? जेड एक हो गया। और दूसरा लिख रहा हूँ, ए के बाद सी के बाद के बाद डी के बाद डॉट डॉट से लेकर जेड तक, डॉट डॉट का तीन डॉट का अर्थ होता है अंग्रेजी में बीच का बचा हुआ सारा चीज, बीच का बचा हुआ सारा चीज। अब बताइए कि कौन सही अल्फाबेट है, पहला कि दूसरा? पहला इसलिए सही है कि इसका दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है ना जी? यस सर। पहला कंडीशन ये पूरा कर रहा है कि ग्रुप ऑफ है ना? यस सर। और दूसरा है कि क्रम में भी है ना? यस सर। और दूसरा इसलिए कंडीशन पूरा नहीं कर रहा कि ग्रुप में तो है लेकिन क्रम में नहीं है, इसलिए सही अल्फाबेट ये नहीं है, क्योंकि ए के बाद आना चाहिए बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी आना चाहिए ना? यस सर। उसके बाद इस तरह से, तो ए के बाद क्या आ गया? सी, इसीलिए क्रम में नहीं है। तो इस तरह से आपको अल्फाबेट और लेटर्स के आप लोग का डेफिनेशन समझ में आ गया? यस सर। लेटर का परिभाषा समझ में आया ना? यस सर। अब जो है हम लोग जानेंगे कि लेटर्स में पार्ट्स ऑफ लेटर, लेटर कितने प्रकार के होते हैं?
भावे लेटर ना yes, भावे लेटर याद रखिए पांच प्रकार के होता है। जैसे मैं लेटर्स को तीन भागों में बांट रहा हूँ, याद रखना लेटर्स जो है तीन भागों में, आपने पांच प्रकार के बताया भावे लेटर्स। किसके बारे में बताया? भावे बारे में। तो देखिए पहला जो है 26 लेटर्स इंग्लिश का है जिसको बांटा गया है वोवेल लेटर, जिसको हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। क्या कहते हैं? ए ई आई ओ। और दूसरा है कॉन्सोनेंट लेटर, व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर्स। इसमें कितने होते हैं जी? 19 होते हैं ना। और सेमी वोवेल लेटर क्या होता है? सेमी वोवेल लेटर, जिसको हम लोग कहते हैं अर्ध स्वर, अर्ध स्वर वन, अर्ध स्वर वन। इसमें होता है दो डब्ल्यू आर, इसमें होता है डब्ल्यू आर। तो बताइएगा कि वोवेल लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश में? पांच। और कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं? और सेमी वोवेल लेटर कितने होते हैं? दो। है ना? यस सर। स्वर वर्ण आपने पढ़ा होगा हिंदी में, जो स्वतंत्र उच्चारण होता है ना, मतलब द लेटर विच इज आर्टिकुलेटेड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वोवेल लेटर। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है वह स्वर वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? याद रखिएगा, है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं एंड, है कि नहीं, एलिफेंट। तो पहला जो लेटर है इसका स्वर से उच्चारण हो रहा है ना, इसलिए सब पहला लेटर जो इसमें यूज हुआ क्या है? वोवेल लेटर। क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है। द लेटर विच इज आर्टिकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ वोवेल लेटर इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट लेटर, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण से किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं बी, क्या लिख रहे हैं? बी। तो याद रखिए बी से क्या होता है? ब। क्या होता है? ब। तो देखिए ब में है जो ब जोड़, याद रखना अ बराबर क्या हुआ है? ब। तो ऐसे कहेंगे तो इसमें क्या आया? ये ऐसे आधा है, अगर स्वर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। इसीलिए इसमें जो आया स्वर आया कि नहीं? अगर सी लिखते हैं तो इसमें स जोड़ ई आता है ना, ऐसे ये अधूरा रहेगा, इसलिए सी हुआ है, याद रखना। तो सी से क्या होता है? स या सी भी होता है। तो इसमें याद रखेंगे हम लोग कि इसमें टोटल पढ़ना है 19। और यहाँ पर अर्ध स्वर वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन की तरह होता है, दोनों तरह होता है ना। जैसे हम इसको लिख देते हैं ज्वाय, जे वाई लिखते हैं तो वाई, याद रखना। तो लास्ट में क्या लगा हुआ? वाई ना। अगर हम लिखते हैं ड्यूटी तो वाई का यहाँ पर याद रखना है ई आ रहा है ना, तो वाई का अगर ई आता है तो ये हो जाएगा अर्ध स्वर की तरह, और वाई का यह आ जाएगा जैसे योर, वाई का आ जाएगा यह योर, तो ये हो जाएगा व्यंजन। जब वाई से याद रखना है कि क्यों अर्ध स्वर और व्यंजन कहते हैं, जब डब्ल्यू और वाई ये दोनों का याद रखना, डब्ल्यू से व और वाई से यह देगा तो अर्ध स्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्ध स्वर वर्ण कहलाएगा। और जब डब्ल्यू और वाई से याद रखना, डब्ल्यू से दे देगा आपको उच्चारण कि वाई से दे देगा ए और डब्ल्यू से दे देगा अ या ओ, तब क्या कहलाएगा? अर्ध। याद रखना यहाँ पर ध्यान देना है कि डब्ल्यू और वाई से रहेगा तो अर्ध व्यंजन, क्या रहेगा? अर्ध व्यंजन। और डब्ल्यू और वाई से रहेगा ई या ओ तो अर्ध स्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्ध स्वर। याद रखना। तो अगले जब वीडियो में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे दूसरा जो है इसके बारे में, जिसके बारे में इटमोलॉजी। आज के क्लास में आपका ऑर्थोग्राफी कंप्लीट हुआ।